हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सबका आपके अपने चैनल रीना किचन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक नाश्ते की रेसिपी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे आसान, सबसे टेस्टी, बहुत ही इजी रेसिपी है, क्योंकि हम लेके आए हैं आप सबके फेवरेट आलू के मसालेदार चटपटे से सैंडविच की रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, जिसके लिए हमें चाहिए ब्रेड। और हमने लिए हैं यहाँ पे व्हाइट ब्रेड, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हम लेंगे बहुत ही कम थोड़ा सा सामान, जैसे कि आलू उबले हुए, चार आलू उबले हुए, एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, एक हरी मिर्च, अदरक का बहुत थोड़ा सा हमने टुकड़ा लिया है, जिसे आप कद्दूकस कर सकते हैं या बारीक चॉप कर सकते हैं। साथ में मैंने लिए हैं यहाँ पे करी लीफ बारीक कट करके, मुझे ये बहुत पसंद आती है। अगर आपको हरा धनिया अच्छा लगता है तो आप हरे धनिया का यूज़ कर सकते हैं, हरा धनिया भी आलू के सैंडविच में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मसालों में हम यूज़ करने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर, साबुत जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, और साथ में हम यूज़ करेंगे देसी घी का, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चटपटे स्पाइसी से और बहुत ही आसान आलू के सैंडविच बनाना। आइए तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, जिसमें हम आलूओं को मैश करेंगे। आप आलू को मैश कर सकते हैं या फिर आप आलू को कद्दूकस कर सकते हैं। मेन बात है कि आलू के अंदर बिल्कुल भी गांठें नहीं रहनी चाहिए। तो लीजिए, हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। लीजिए, सभी आलू कद्दूकस हो गए हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे करी लीफ, प्याज बारीक कटी हुई, हरी मिर्च, अदरक, और अब इसके बाद जाएंगे मसाले, जैसे कि नमक टेस्ट के अनुसार, गरम मसाला, धनिया पाउडर, साबुत जीरा। साबुत जीरा आप सैंडविच में, पराठे में डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर देता है। लाल मिर्च पाउडर। तो ये तीन से चार मसाले हम यूज़ कर रहे हैं आलू के सैंडविच बनाने के लिए। और अब इसके हम अच्छे से हाथ से मैश करेंगे। जी हाँ, चम्मच से नहीं, इसे अच्छे से हाथ से हम इसे मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे मसालों को आलूओं में। और ये जो सैंडविच की स्टफिंग है, यानी कि पिट्ठी है, ये बन के तैयार। अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो आप इस पिट्ठी को थोड़ा सा गैस पे कढ़ाई में हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, उससे भी और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप पे टाइम की थोड़ी कमी है तो ऐसे भी बहुत टेस्टी बनता है। तो लीजिए, ये पिट्ठी मिक्स हो गई है सैंडविच की, और ये आलू की स्टफिंग तैयार है, ये देखिए। तो चलिए, यहाँ पर स्टफिंग तैयार हो गई है, ब्रेड में से स्टफिंग को फिल करते हैं। आइए, तो स्टफिंग भी तैयार हो गई है, अब करते हैं ब्रेड को फिल, यानी कि सैंडविच तैयार करते हैं। तो हम ब्रेड में सबसे पहले आलू की स्टफिंग को लगाएंगे। दो ब्रेड ली हैं और उसके ऊपर हम रख देंगे आलू की स्टफिंग। ये आलू की स्टफिंग आ गई है। और अब इसके बाद एक बहुत ही सीक्रेट और इम्पॉर्टेंट चीज़, कि मैं इसके ऊपर फिल करने वाली हूँ थोड़े से केचप को। केचप से इसका बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। जी हाँ, सैंडविच और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है जब आप उस पर टमाटो केचप लगाएंगे। तो यहाँ पर टमाटो केचप इसके ऊपर फिल करके अच्छे से हम फैला लेंगे चारों तरफ, ये देखिए इस तरह। और जिन्हें केचप नहीं पसंद वो इसे बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये तैयार है एक सैंडविच बनने के लिए, एक ब्रेड। और इसी तरह हम दूसरी जो ब्रेड है वो भी सेम प्रोसेस से ही तैयार कर लेंगे। सबसे पहले स्टफिंग। ये एक ऐसा नाश्ता है कि जब भी आपको भूख लगे, अगर उबले हुए घर में आलू हैं तब तो सिर्फ 2 से 3 मिनट लगती है, अगर उबले हुए आलू नहीं हैं तो 6 से 7 मिनट लग सकती है, क्योंकि एक सीटी में आलू उबल जाते हैं और फिर 2 से 3 मिनट में ही सैंडविच तैयार हो जाता है। तो ये लीजिए, इसमें हमने आलू फिल कर दिए हैं और अब थोड़ा सा केचप।
और अब केचप को अच्छे से लगा देंगे और फिर से दूसरी वाली ब्रेड इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये दो ब्रेड सैंडविच जो हैं ये तैयार हो गए हैं, आलू के चटपटे स्पाइसी सैंडविच। अब इन्हें सेकने की यानी कि इन्हें दोनों तरफ से अच्छे कुरकुरे क्रिस्पी बनाने के लिए शुरू करते हैं उसका प्रोसेस। आइए तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम टोस्टर में सैंडविच बनाना करके नीचे के पोर्शन में हम लगा लेंगे। ओके, और इसे अच्छे से हम इस पर फैला लेंगे। एक्चुअली गर्म हो जाता है तो आप इसे केयरफुली, अगर ब्रश है तो ब्रश से और भी अच्छे से लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने नीचे घी लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर रखने वाली हूँ ये ब्रेड इस तरीके से, दूसरी ब्रेड सेम इसी प्रोसेस से। और अब थोड़ा सा घी हम लगाएंगे इनके ऊपर की साइड, दोनों तरफ, दूसरी ब्रेड के ऊपर भी। तो लीजिए, ब्रेड के ऊपर भी अच्छे से लग चुका है यहाँ पर घी। और अब हम टोस्टर को कर देते हैं बंद और वेट करते हैं जब तक हमारी ब्रेड अच्छे से टोस्ट नहीं हो जाती है, सिक नहीं जाती। तो लीजिए, ग्रीन लाइट ऑफ हो चुकी है यानी कि हमारा ये सैंडविच जो है बन चुके हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, कुरकुरे क्रिस्पी से सैंडविच तैयार। तो इसी तरह आप और सैंडविच जो हैं वो भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ दो दो ब्रेड से ही यानी कि चार ब्रेड के साथ आपको सैंडविच दिखाए थे। तो अब मैं इन सैंडविचों को बाहर निकालूंगी और प्लेटिंग करके आपको दिखाऊंगी टेस्टी से कुरकुरे क्रिस्पी सबसे आसान आलू के सैंडविच की रेसिपी। लीजिए दोस्तों, बन चुके हैं आलू के चटपटे स्पाइसी से कुरकुरे सैंडविच की रेसिपी। हमने इन्हें बनाया है सैंडविच मेकर में, लेकिन आप चाहें तो इन्हें बना सकते हैं तवे पर भी इतने ही कुरकुरे और क्रिस्पी। तवे पे बनाने का प्रोसेस भी सेम है। आप पहले तवे के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लीजिए और उसके ऊपर ब्रेड रख के ब्रेड के ऊपर फिर से घी लगा के उन्हें पलट के दोनों तरफ से कुरकुरे क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेक लीजिए। तो यहाँ पे मैंने टोस्टर में बनाया है तो आपको दिख रहा होगा बहुत ही कुरकुरे क्रिस्पी हैं ये सैंडविच और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सबसे आसान रेसिपी है ब्रेड की, जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। यहाँ तक कि हम बहुत पुराने टाइम से जो ब्रेड की रेसिपी सब खाते आ रहे हैं वो है सैंडविच। सैंडविच की हमने बहुत सारी वैरायटियां बना ली हैं अलग अलग तरीके की, लेकिन आज भी आलू के सैंडविच सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर आपको आलू के सैंडविच की कुरकुरे क्रिस्पी और बहुत ही आसान सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आपके लिए नई नई रेसिपीज ला सकेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ रीना किचन पॉइंट में। बाय बाय।